चलिए बात करते हैं राजधानी देहरादून की, जहां पर जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में मंगलवार को दून में जनता दरबार का आयोजन किया है। इस जन सुनवाई में कुल 116 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें अधिकतर शिकायतें भूमि से संबंधित रही। इसके अलावा पेंशन, शस्त्र लाइसेंस, पेयजल बिल, बीमा कंपनी सहित राशन कार्ड और आधार कार्ड संबंधी शिकायतें भी आई है। साथ ही देहरादून से रायपुर नथुवाला गुल्लर घाटी बस सेवा शुरू करने से संबंधित आवेदन भी दिए गए हैं। जिला अधिकारी ने मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जन सुनवाई और ई चौपाल में प्राप्त हो रही शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। एक सौ सोलह के करीबन अभी तक हमारे पास कंप्लेन आई थी और वही मिक्स था, कुछ पानी से, कुछ बिजली से और कुछ जमीन पे अतिक्रमण कर दिया है उसके ऊपर भी। तो सभी का जैसे हम करते ही हमेशा सारे अधिकारी यही उपस्थित रहते हैं, तो कोशिश करते हैं तत्काल निस्तारण हो जाए। और कुछ क्योंकि लॉन्ग डिस्प्यूट्स हैं, लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, तो उनका फिर अलग से हम SDMs को बता देते हैं कि उन्हें निस्तारण।